लोग कई कारणों से कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना पसंद करते हैं। ज्यादातर जिनको चश्मे का नंबर आता है और चश्मा पहनना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। या फिर कुछ लोग अपनी आंखें सुंदर दिखने के लिए भी कॉस्मेटिक लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक लेंस बहुत से अलग कलर्स में आते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनाए होते हैं। इस मटेरियल में वाटर एब्जॉर्बिंग प्लास्टिक होता है। ओटो विस्टरले और ड्रेहोस्लेवलिम, ये दोनों केमिस्ट ने सिलिकॉन हाइड्रोजेल कॉन्टैक्ट लेंस का इन्वेंशन किया था ईयर 1959 में। ये लेंसेज वैसे तो आंखों के लिए सेफ है, लेकिन ये बहुत डेलिकेट होते हैं, जिस कारण आसानी से टूट जाते हैं। तो लेंसेज का इस्तेमाल आंखों में सावधानी से करना काफी जरूरी होता है। अगर आप भी लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। इंग्लैंड में रहने वाला 29 साल का लड़का निक हम्फ्रे को अपनी एक गलती काफी महंगी पड़ी, क्योंकि नहाते वक्त उसने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाले नहीं थे। उसकी इस गलती की वजह से आई इन्फेक्शन हुआ, जिस कारण उसे राइट आंख से दिखाई नहीं देता है। इस इंसिडेंट का चेक करने से पता चला कि निक हम्फ्रे को पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ था और इस इन्फेक्शन को एकेंथा अमीबा केराटिटिस कहते हैं। एकेंथा अमीबा ये एक सिंगल सेल्ड अमीबा है, जो ज्यादातर पानी, हवा और सॉइल में पाया जाता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के हिसाब से जो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं, उन्हें ये इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। ज्यादातर ये इन्फेक्शन लेंसेज टैप वाटर, स्विमिंग या फिर शावर के पानी से संपर्क में आने के कारण होता है। इसीलिए कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल नहाते वक्त नहीं करना चाहिए। या फिर जो लोग स्विमिंग करते हैं, उन्हें भी स्विमिंग करते वक्त कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि एकांता अमीबा कॉन्टेक्ट लेंसेज के जरिए काफी इजीली आंखों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर कर सकता है। और ये बात 2010 में किए गए रिसर्च से प्रूव हुई है, जो फिर जर्नल ऑफ ऑप्टोमेट्री में भी पब्लिश किया था। कॉन्टेक्ट लेंसेज के पैक पर उसके रिस्क इश्यूज लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जर्नल ऑफ ऑप्टोमेट्री में पब्लिश किया है। बहुत से लोग अगर नहाते वक्त कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते होंगे तो तुरंत छोड़ दे ये आदत। आपकी एक गलती लाइफ टाइम के लिए आई साइट डैमेज कर सकती है। और कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत डेलिकेट होते हैं, जिस कारण वो आसानी से टूट जाते हैं। और अगर लेंसेज आंख में होते हुए टूट गए तो काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्फेक्शन क्लियर हो सकता है, लेकिन आंखों की आई साइट परमानेंट डैमेज हो जाती है। इसीलिए कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होने के वजह थोड़ी सावधानी रखना बेहतर है। लोगों तक इस बात की जागरूकता फैलानी काफी जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि कोई भी नहाते वक्त या फिर स्विमिंग करते वक्त कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने रखने की गलती ना करे। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।